हरियाणा के किसानों का अपना खुद का ब्रांड होगा। हरियाणा फ्रेश ब्रांड के तहत करनाल के उचानी एग्रीकल्चर केंद्र में किसान संगठन ने शहद का सेल काउंटर खोला है, जिसका उद्घाटन बागवानी विभाग के महानिदेशक अर्जुन सैनी ने किया। डायरेक्ट मार्केटिंग के तहत किसानों की आय दोगुना ही नहीं अपितु इससे ज्यादा होगी, क्योंकि बीच में एजेंटों के न होने से जहां उपभोक्ता को उचित मूल्य में शहद हासिल होगा, वहीं किसान को भी अधिक रेट मिलेगा। प्रदेश सरकार के सहयोग से करीब 2000 किसानों ने संगठन बनाकर स्टार्टअप चलाया है। अतुल्य बी मास्टर नाम से इस संगठन का ये प्रदेश में तीसरा सेल्स काउंटर है। इसके बाद और भी काउंटर खोले जाने की योजना है। करनाल जिले की जनता व नेशनल हाईवे 44 से गुजरने वाले लोगों को इस काउंटर से 10 प्रकार का शुद्ध मधुमक्खी का शहद मिलेगा। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ हरियाणा के द्वारा हरियाणा के सभी मधुमक्खी पालक किसानों के हित के लिए अतुल्य बी मास्टर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बनाई गई है, जिसमें संपूर्ण हरियाणा के लगभग 2000 मधुमक्खी पालक किसान जुड़े हुए हैं। अतुल्य बी मास्टर शहद के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी गुणवत्ता की गारंटी इस बात से पता लगती है कि बागवानी विभाग द्वारा हरियाणा फ्रेश ब्रांड प्रयोग करने की अनुमति केवल इसी संगठन के पास है। हरियाणा सरकार का जो मकसद है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो डायरेक्ट मार्केटिंग से जुड़े, मार्केट से जुड़े, लिंकेजेस हों, तो उसके लिए दिशा निर्देशों पे हमने FPOs पूरे हरियाणा भर में बनाने शुरू कर दिए। लगभग अब 400 ऐसे FPO बन चुके हैं हरियाणा में। और आपको पता ही है, अभी 25 तारीख को माननीय कृषि मंत्री जी ने एक बहुत बड़े पैक हाउस का पेवा के अंदर उद्घाटन किया था। वो इसी दिशा में एक कदम है कि वहाँ पे सभी जो प्रोड्यूस हैं किसानों का इकट्ठा हो और वहाँ से फिर वो मार्केट में पैक होने के बाद मार्केट में जाए। तो इसी संदर्भ में एक FPO हमने मधुमक्खी के बी कीपर्स का था, जो भी हरियाणा के थे, वो 1000 से ज़्यादा मेंबर उसके अंदर अब जुड़ चुके हैं। तो अतुल्य बी मास्टर के नाम से, अतुल्य बी मास्टर कंपनी लिमिटेड के नाम से उन्होंने एक FPO बनाया हुआ है, जो कि लगभग 1.5 साल पहले बना था। तो उन्होंने काफ़ी, हमने उनके जज्बे को देखा कि वो चाहते थे कि हमें ऐसा स्थान दिया जाए जगह जगह पर जहाँ पे FPO अपना या अतुल्य बी मास्टर अपना जो वो बी कीपर्स का जो शहद तैयार हो रहा है अपने ब्रांड के अंदर वो बेच पाएँ। तो क्योंकि FPO को सरकार मदद देने के लिए कटिबद्ध है, तो हमने ऐसे कई स्थान चिन्हित किए जहाँ पे विभाग का, जहाँ पे अपनी जगह है, और इन हमें जगह चिन्हित की। जो आप ये कियोस्क देख रहे हैं वो पूर्णतया FPO द्वारा अपने आप ही बनाया गया है, इसमें सरकार की मदद नहीं है, सरकार की जगह की मदद है। ये इन्होंने काफ़ी मेहनत की है इसके अंदर। और ऐसा एक तो अब हमने पहले जो हमारा IBDC सेंटर रामनगर के अंदर है, पहला ऐसा उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया था। उसके बाद एक हमने हमारे पंचकुला में हमारे ऑफिस के बाहर है, दूसरा इनको जगह वहाँ दी गई है। तो उसी कड़ी में ये तीसरा आज की डेट में जो हरियाणा फ्रेश ब्रांड के अंदर और हनी के इन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट रखे हैं, ये तीसरा ये उपराला किया गया। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सिंह सिंधु है सर जी। हमने एक मधुमक्खी पालकों का संगठन बनाया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है अतुल्य बी मास्टर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इसके साथ हमारे 2000 मधुमक्खी पालक किसान पूरे हरियाणा से जुड़े हुए हैं। और हमने लघु कृषि कृषि व्यापार संघ, जो बागवानी विभाग के अंदर आता है, डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन से हम इस FPO को सक्सेस करने की कोशिश करने लगे हुए हैं। तो उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही हमने मधुमक्खी पालकों से जो शहद लिया, उसको जो अच्छी गुणवत्ता का शहद होता है, जो बकेट के अंदर निकालता है और शील्ड करके शहद निकालता है, प्योर पका हुआ होता है, उसको हम मधुमक्खी पालकों से खरीद करके और अपना IBDC इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है रामनगर कुरुक्षेत्र में बागवानी विभाग का, वहाँ से उस शहद की टेस्टिंग वगैरह करा के, प्रोसेस करा के, पैकेजिंग करके हरियाणा फ्रेश के ब्रांड में मार्केटिंग करने के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने कोशिश की है कि हमारे मधुमक्खी पालक किसानों को शहद का उचित मूल्य मिल सके और जो आम उपभोक्ता है उसको क्वालिटी का शहद हम उपलब्ध करवा सकें, जिसके लिए समय समय पर हमारे को बागवानी विभाग से निर्देश मिलते रहते हैं और उनकी देखरेख में ही हम ये सारे कार्य करते हैं। और हमारे जो मधुमक्खी पालक साथी हैं वो हमारा पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हम अपने FPO के माध्यम से जितने भी उपभोक्ता हैं शहद जो यूज करना चाहते हैं उनके लिए शुद्ध शहद उपलब्ध कराने का कार्य करें और हमारे मधुमक्खी पालक किसानों को कम से कम उसका लागत मूल्य दे सकें,
क्योंकि जो शहद का रेट है वो एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करने के लिए जो एक्सपोर्टरों द्वारा कई बार मधुमक्खी पालक किसानों का शोषण किया जाता है, वो उनको उचित मूल्य नहीं देते क्योंकि उनको तो अपने प्रॉफिट से मतलब है, और कई बार इंटरनेशनल मार्केट में शहद के रेट डाउन आ जाते हैं तो भी मधुमक्खी पालकों को ही दिक्कत होती है। तो इसलिए हम शहद डोमेस्टिक मार्केट में शुद्ध शहद उपलब्ध करवाने के लिए हनी पार्लर और हनी मार्ट के माध्यम से अपने सेल काउंटर खोलने जा रहे हैं, जिनमें हमने सबसे पहले पंचकुला के अंदर अपना हनी पार्लर खोला था, उसके बाद हमने IBDC सेंटर रामनगर में खोला, और अब हम HTI हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उचाणी में हनी मार्ट के नाम से ये शॉप खोल रहे हैं, जिसका हमारा उद्देश्य यही है कि हम उपभोक्ता को कैसे शुद्ध शहद उपलब्ध करवा सकें। और इसके बाद हमने एक घरोंडा में सेल काउंटर तैयार किया है जिसकी ओपनिंग कल होगी, और वो भी हमारा बागवानी विभाग के निर्देशन में ही खोला गया है। हम एक टारगेट लेके चले हैं कि पूरे हरियाणा में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह है अपने सेल काउंटर खोल लेके, और जो आम उपभोक्ता है उनको क्वालिटी का शहद उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत हैं।